माँ, अगर हम एनजीओ वालों से बात करके थोड़ा सा वक्त मांग ले उनसे, तो शायद हम उनके नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। एनजीओ वाले हमारी परेशानी समझते हैं, इसीलिए तो पैसे के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो कुछ कहे ना कहे, हम तो जानते ना कि उनको कितना नुकसान हुआ है, और उनके नुकसान की हमें भरपाई भी करनी चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे माँ? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं ये सब कुछ उस ललिता मिश्रा का किया धरा है, लेकिन बिना किसी सबूत के हम उन पे इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते। बस एक बार हमारे हाथ कोई सबूत लग जाए ना, तो फिर ललिता की ये लंका जला कर ना उससे ही हम अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे। बुलबुल, कितनी बार तुमसे कहा शांत रहा करो, अपने गुस्से पर काबू रखो। हमने रपट लिखवाई है ना बेटिया, जल्दी सच सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तो हमें कोई और ही चिंता खाई जा रही है। निर्मला जी जब यहाँ आई थी तो सबसे इतने अच्छे से मिल कर गई, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई? मतलब साफ है रंजू, वो हमारा हाल पूछने नहीं आई थी, वो सिर्फ ललिता से अगली चाल जानना चाह रही थी। शालू के घर की बर्बादी का कारण भी ललिता मिश्रा है, उसी ने निर्मला जी का दिमाग खराब कर दिया है। ललिता की हद बढ़ती जा रही है, और उसका हाथ पकड़ के रोकने के बजाय हमने एक कुर्सी पकड़ ली है। अरे गुटवा, काहे अपने आप को कोसते हो? मिश्रा जी, अपने आप को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा, ऐसे में तो हम अपनी हिम्मत को ही कमजोर कर देते हैं। हम जानते हैं इस वक्त हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन बाबा गरीबनाथ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर केवल हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है, ऐसे में हम टूट नहीं सकते हैं, और इसीलिए हम सबसे कहते कि हमें अपनी हिम्मत को टूटे नहीं देना है, तो इस लड़ाई में भी जीत हमारी ही होगी। माँ, हमारे पास एक आइडिया है जिससे हमारी एनजीओ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या आइडिया मुस्कान? दीदी, एनजीओ की हेल्प वही करते हैं जो एनजीओ के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन सोसाइटी में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो एनजीओ की मदद तो करना चाहते हैं, पर वो समझ नहीं पाते किसकी हेल्प करें और कैसे करें। और अगर हम अपने शहर में घर घर जाके डोनेशन में कपड़े मांगे और सोशल मीडिया पर शेयर करें, तो शायद हमारी काफी मदद हो सकती है। नॉट बैड इंजीनियर मैडम, वैसे भी इस वक्त हम ज्यादा कुछ काम तो कर नहीं रहे, तो हम ये काम कर सकते हैं, और सब मिलके काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, हम नुकसान की भरपाई भी कर पाएंगे। दीदी, हम आपके साथ हैं, हम भी। हाँ, और हमारे बिजनेस में भी कुछ लोग हैं जो डोनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, हम तुम्हें उनका फोन नंबर दे देंगे, तुम फोन करके उनसे बात कर लेना है। अब तो ये प्रोजेक्ट होकर ही रहेगा। तो दे ताली। कुछ ना करने से तो अच्छा है कोशिश कर लो, जिस तरह से सब मिलकर हिम्मत दिखा रहे, इंतजाम तो हो ही जाएगा।
है।